देखना बहुत ज़रूरी होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि ये नहीं पता आपको तो आपको कुछ नहीं पता बेटा का। सो हेलो गाइस, दिस इज एवियल ह्यू, वेलकम यू टू द न्यू व्लॉग। आज जैसा आपने पढ़ लिया होगा टाइटल के अंदर कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक इंट्रोडक्शन होने वाला है गिटार के ऊपर। तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक गिटार है, मैं इलेक्ट्रिक गिटार प्लेयर हूँ, मैं अकॉस्टिक भी प्ले करता हूँ, इलेक्ट्रिक भी प्ले करता हूँ, बट मेरा अकॉस्टिक ख़राब हो रखा है और मुझे कहीं से अरेंज करना था बट वो अरेंज नहीं हो पाया। तो इलेक्ट्रिक गिटार है, मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, बिल्कुल अकॉस्टिक के हिसाब से ही दूंगा कि अकॉस्टिक और उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक का अकॉस्टिक का खुद का साउंड होता है ना, जैसे उसको आप करते हैं तो वो होल के अंदर जैसे जो उसकी यहाँ पे आपने बॉक्स देखा होगा, मोस्टली बिगिनर्स के पास अकॉस्टिक ही होता है और ये बहुत सही भी रहता है क्योंकि ये स्ट्रिंग्स जो होती हैं या अलग टाइप की होती है स्ट्रिंग्स और वो स्ट्रिंग्स अलग टाइप की होती है। मैंने दोनों प्ले कर रखे हैं इससे मुझे पता है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो उसका जो बॉक्स है वो इतना मोटा बॉक्स होता है तो उसके अंदर साउंड आप जैसे प्ले करते हैं तो उसका खुद का साउंड होता है और ये इलेक्ट्रिक गिटार खुद साउंड प्रोड्यूस करता है ना। तो चलते हैं, आज इंट्रोडक्शन देते हैं गिटार के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है एक बंदे के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो सीधा सीधा कॉर्ड्स पे जाना है, मुझे सीधा का सीधा नोट्स ही बजाना है गिटार के ऊपर, उसका कुछ बेनिफिट नहीं है। बताऊँ आपको, जब तक आपको एक बेसिक नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप ए बी सी डी नहीं सीखोगे तब तक आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते है ना, एक बेसिक नॉलेज ही है। तो शुरू करते हैं, ये इनके नाम पहले जानते हैं हम, और आप एक नोटबुक बना लीजिए। जैसे पिछला कैस्ट्रो वाला लेसन था उसमें मैंने बोला था एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए, ना गिटार लेके, उसमें कैसे बोला इसमें गिटार ऑब्वियसली। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे जाके देख लेना, अगर आप कैसे भी सीखना है तो बहुत अच्छी वीडियो है, बिगिनर की सबसे बहुत बेस्ट वीडियो है ये भी, और वो भी बहुत बहुत अच्छी वीडियो थी बिगिनर के हिसाब से, तो आप ये देख सकते हो। तो अभी चलते हैं इसकी बॉडी तरफ, मैं जिस जिसके बारे में बताऊँगा मैं उसको जूम कर लूँगा, ठीक है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो इसको कहते हैं हेड ऑफ गिटार, ये जो है ये हेड ऑफ गिटार है। तो इसके ऊपर ये पूरा गिटार का सर होता है ना, और इसको मान सकते हो आप हेड, ठीक है, ये हेड ही कहते हैं इसको, मान तो कह सकते हो। और इसको कहते हैं नोट्स, KNOTES, ठीक है, नोट्स, जिससे आप ट्यून करते हो, मीन्स दिस इज द ब्रेन ऑफ गिटार, ठीक है। आप इससे ट्यून करते हो पूरा, और ताकि आपका गिटार अच्छी तरह स्मूदिंग कर सके। तो मेरी आई थिंक नेक्स्ट वीडियो होगी हाउ टू ट्यून अ गिटार, ठीक है, एक एप्लीकेशन है उससे मैं आपको बताऊंगा उससे आप कैसे ट्यून कर सकते हो इजीली गिटार को, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो इसको कहते हैं नोट्स, ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रिंग्स होल्डर, ठीक है, दो होते हैं, एक क्या होता है, इसका नाम अलग होता है, इसका नाम इसको कहते हैं स्ट्रिंग्स होल्डर, इस पर स्ट्रिंग्स होल्ड करती है, ठीक है। आप जैसे आप ये देख सकते हो, बहुत जूम में आना पड़ेगा मुझे, ये देखो ये होल्ड कर रही है ये स्ट्रिंग्स होल्ड करती है। और ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, ये होता है एडजस्टेबल ट्रस्ट रॉड के लिए होता है। आप इसको, इससे आप जो एडजस्टेबल जो आपकी ट्रस्ट रॉड होती है जिसके अंदर होती है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिक के अंदर। अकॉस्टिक में भी होता है, अकॉस्टिक में यहाँ से होता है जस्ट डाल के अंदर से, इसका यहाँ से होता है ना, ठीक है। तो ये आपका ऊपर का हिस्सा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपन स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो इन ये जो वायर्स आप देख रहे हैं इनको कहते हैं स्ट्रिंग्स, इसको कहते हैं नेचुरल फ्रेट, नेचुरल कैपो कहते हैं इसको बेसिकली, है ना। ये क्या कैपो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा हुआ है क्लिप सा बना हुआ, ये क्लिप नहीं है कैपो है, इसको ऐसे यहाँ पे प्लग कर लेते हैं जिससे हेल्प होती है आपके बहुत जब आप जैसे प्ले करते हो आगे, जैसे अभी आप बिगिनर हो तो आपको जी प्ले करनी है तो जी ऐसे प्ले होगी, एक तो जी एक ऐसे प्ले होगी, एक ऐसे प्ले होगी, आपको बताएंगे एक ऐसे भी प्ले होगी, जब आप ऐसा प्ले करोगे तो जब बिगिनर हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी ये प्ले करने में, मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, मैंने आई थिंक
दो साल बाद मैंने इस चीज़ सीखी थी। तब मैं जब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग करता था गिटार की, तब मेरा ऐसा रहता था मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे सिर्फ दो कॉर्ड आती थी, एक ये मिडिल फिंगर से ये वाली स्ट्रिंग पकड़ के बजाना, E7 कहते हैं इसको, और ये सिर्फ ये दो। तो हर गाने में मैं खड़े होकर यही बजाया। तो अब सारी कॉर्ड्स आ गई है तो अब ईजी रहता है, बट ये है। तो कैपू, ये नेचुरल कैपू होता है और उसको कहते हैं मैनुअल कैपू, उससे आप किधर सेट कर सकते हो, ठीक है? वो मैं आगे और वीडियोस के अंदर मैं आपको इजीली पूरा डिस्क्राइब करूँगा। फिर ये जो चीज़ आप ब्राउन ब्राउन देख रहे हो, इसको कहते हैं फ्रेट बोर्ड। ये जो कंप्लीट होता है इसको कहते हैं फ्रेट बोर्ड, ठीक है? आप नोटबुक में लिखते रहिएगा, इसको कहते हैं फ्रेट बोर्ड। और ये जो बीच बीच में ये है ना, ये देखिए आप, ये ब्लॉक्स बने हुए, इनको कहते हैं फ्रेट्स, ठीक है? ये फ्रेट्स होते हैं और ये फ्रेट्स होते हैं फ्रेट बोर्ड के ऊपर, इसको कहते हैं पूरा फ्रेट बोर्ड, ठीक है? और ये जो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है ना, ये कंप्लीट, इसको कहते हैं नेक। नेक के ऊपर होती है फ्रेट बोर्ड और फ्रेट के ऊपर होता है फ्रेट बोर्ड के ऊपर होते हैं फ्रेट्स, ठीक है? और ये जो वाइट वाइट देख रहे हो ना, ये वाइट वाइट डॉट्स हो गए, ये सब होते हैं फ्रेट इंडिकेटर्स। जब आप प्ले कर रहे हो तो आप ऐसा तो देखोगे नहीं कि अच्छा तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पाँचवा कौन सा है, छठा कौन सा है, ऐसा ना। उसके लिए इंडिकेटर्स होते हैं, ऐसे होते हैं 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, ऐसे होते हैं, ठीक है? तो ये नंबर आप याद कर सकते हो इफ़ यू वांट, बट ज़रूरत नहीं होती। मैं तो ऐसे मुझे अपने आप ही प्ले कर करके याद हो जाते हैं। ये याद रखना है कि ये जो दो डॉट है ये 12 है और ये 3rd है बस, ये यही ध्यान रखना है, ये 12 है और ये 3rd है बस, कुछ ध्यान नहीं रखना, ठीक है? फिर हम आते हैं इसके बॉडी की तरफ, इसको कहते हैं इट्स अ कंप्लीट बॉडी। ये इलेक्ट्रिक गिटार की बॉडी है, अकोस्टिक की अलग होती है। मैं जैसे ही मेरा अकोस्टिक अरेंज होगा तो मैं उसके बारे में भी आपको कंप्लीट दूंगा। मेरा अकोस्टिक ठीक करना है मुझे, इसका बताता हूँ आपको क्या खराबी है, पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। ये कंप्लीट बॉडी है, इस बॉडी के अंदर आपको अलग अलग कंपार्टमेंट्स दिखते हैं, जैसे इसको कहते हैं पिकअप्स। ये जो है ये इलेक्ट्रिक गिटार में भी होते हैं, अकोस्टिक में भी होते हैं, इलेक्ट्रिक में तो होती हैं, अकोस्टिक में भी होते हैं। वो आप ऊपर लगते हैं, आपके होल्स जो होते हैं बीच के अंदर, तो उसके ऊपर ये लगते हैं और जो लगाने पड़ते हैं, लगे हुए नहीं आते हैं, सेमी अकोस्टिक में आते हैं, बट ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक है, इसके अंदर इसमें पहले से लगे हुए आए हैं। तो इसको कहते, इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका ये ऑटो होता है, ये हमेशा चालू रहेगा, ठीक है? ये हमेशा चालू रहता है, आप इनको एडजस्ट कर सकते हो 1, 2, 4, 5 को, ना 1, 2, 3, 4, ये ऑटो 5 में कहते हैं इसको, ये हमेशा चालू रहता है। अब आप ये वाला देख रहे हो, इसको कहते हैं पिकअप एडजस्टर, पिकअप चेंजर, एडजस्टर कह सकते हैं, चेंजर कह सकते हैं। इससे आप क्या चेंज कर सकते हो कि आपको कौन सा नोट चाहिए, जैसे अगर आपको सबसे ऊपर वाला चाहिए तो 1 और सबसे लास्ट वाला चाहिए तो 1/4। इससे क्या साउंड्स का डिफरेंस आ जाता है, जैसे आप ऊपर प्ले कर रहे हो तो यहाँ पतली होगी आवाज़ें, वजह से अब नीचे प्ले करो, मैं 1/4 लगा दिया तो वो नीचे हो जाएगा, ठीक है? मैं 2/4 लगा दूंगा तो है ना। तो ये था, इसको कहते हैं ब्रिज, ये कंप्लीट, इसको कहते हैं, ये जो होता है ना, इसको कहते हैं ब्रिज, पूरा स्टील वाला जूम हो गया होगा आपके, ये स्टील वाला, इसको कहते हैं ब्रिज। और ये जो चार नोब्स देख रहे हैं आप, इनको कहते हैं म्यूज़िक कंट्रोलर, वॉइस कंट्रोलर ना, इससे आप कंट्रोल कर दो। इलेक्ट्रिक के अंदर होता है कि ये दो ऊपर वाले जो हैं, ये दो जो ये जो दो दिख रहे हैं, ये दो जो ऊपर वाले हैं, इनसे वॉइस कंट्रोल होती है और इससे टोन कंट्रोल होती है, आपको कितनी पतली चाहिए, कितनी बेस में चाहिए। और इसको कहते हैं जैक इनपुट, इससे जैक आप इसके अंदर डाल दो और इसकी वॉइस फिर जाती है बाहर, ठीक है? और ये इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन है गिटार का ना। तो और इसको कहते हैं बेल्ट, और नो मैंने नया लिया है अभी, उस टाइम पहले क्रॉस बना हुआ है इसके ऊपर, तो इधर लगाते हैं दो नोट्स के ऊपर। तो मैं ये इलेक्ट्रिक गिटार का इंट्रोडक्शन हो गया है, बट हाँ बेसिक गिटार का भी मैंने इसमें दे दिया है। अब अकोस्टिक गिटार के बारे में आपको इसमें चेंजेस बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। एक तो मैंने बता दिया कि वो खुद का साउंड प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, लेकिन इसका जो होता है ये आप साउंड चेंज कर सकते हो, इसके ये नोब्स हो गए, इसके फ्रेटबोर्ड अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो, तो उससे आप अलग साउंड खुद प्रोड्यूस कर सकते हो।
है ना, तो एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो मैं इलेक्ट्रिक गिटार और अकॉस्टिक पे बनाऊंगा वो बन जो फ्यूचर में बनेगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक गिटार लेते हो तो आपको उसके साथ साथ क्या क्या एक्सेसरीज इंपॉर्टेंट रहती है, अकॉस्टिक लेते हो तो उसके साथ साथ आपको क्या क्या लेना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तो मेरी होने वाली है, आई थिंक अभी स्टार्टिंग में आपको सिखाऊंगा कि स्टार्टिंग में आपको क्या क्या नो होना चाहिए। तो पहला तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, ये आप जरूर 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 कम, अगर आपने अभी तक देखा तो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नहीं पता आपको तो आपको कुछ नहीं पता गिटार का। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हेड क्या होता है, नेक क्या होता है, इसको कहते हैं बॉडी, इसको कहते हैं नेक, इसको कहते हैं हेड, आप बोलोगे इसका क्या काम है ना। तो इसका बहुत हेल्प रहता है ये गिटार सीखने में, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और हेल्प रहेगी आपकी इसको इस वीडियो को देखने के बाद। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय, सी यू अगेन।